ओम शांति। आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर परम आत्मा शिव बाबा को अपने सामने देखें। ज्ञान सूर्य शिव बाबा अपनी किरणों रूपी बाहें फैलाए मेरे सामने है। अनुभव करें बाबा ने मुझ आत्मा को अपनी किरणों रूपी बाहों में समा लिया है। बाबा किरणों रूपी हस्तों से मुझे वरदान दे रहे हैं। बच्चे अपने पुरुषार्थ में सदा आगे बढ़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। दाता वरदाता बाबा से अब मन ही मन बातें करते अपने सभी प्रकार के बोझ सर्वशक्तिवान बाबा को देकर हल्केपन का अनुभव करें। अब मन पर कोई बोझ नहीं। हल्केपन का अनुभव। मैं डबल लाइट हूं। बाबा ने मेरे सारे बोझ लेकर बदले में मुझे अपनी सर्व शक्तियां दे दी है। परमात्मा शक्तियों को प्राप्त करके मैं आत्मा शक्तिशाली अनुभव कर रहा हूं। मैं शक्तिशाली स्थिति में स्थित हूं। मैं स्वस्थिति की शक्ति से परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने वाला श्रेष्ठ आत्मा हूं।
अब चाहे प्रकृति द्वारा, चाहे व्यक्तियों द्वारा कोई भी परिस्थिति आए, मेरे स्वस्थिति के आगे परिस्थिति कुछ भी नहीं। मैं हर स्थिति में डबल लाइट रहकर ऊंचा उड़ने वाला फरिश्ता हूं। मैं ऊंची स्थिति में स्थित हूं। ब्राह्मणों के लिए जो चोटी की निशानी दिखाते हैं, वो मेरे ही तो ऊंची स्थिति का यादगार है। चोटी अर्थात ऊंचा मुझ ब्राह्मण आत्मा का स्थान भी ऊंचा तो स्थिति भी ऊंची है। मुझ आत्मा की दृष्टि भी सदा ऊपर रहती है, सदा आत्मा पर रहती है। मैं आत्मा बन आत्मा को ही देखता हूं। किसी से भी मिलते बात करते मैं आत्मा बन आत्मा को ही देखकर बात करता हूं। आत्मा बन आत्मा से बात करता हूं। हर समय दृष्टि मस्तक पर चमकती आत्मा की तरफ। आत्मिक स्वरूप की स्मृति से सदैव ऊंची स्थिति में स्थित। सदा ही ऊंची स्थिति में स्थित रहकर देह की दुनिया से, नीचे की सभी बातों से, नीचे के वायुमंडल से सदा दूर। सदा अलिप्त। कितना भी खराब वायुमंडल हो, वायुमंडल का प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ता। मेरे स्वस्थिति का प्रभाव वायुमंडल पर पड़ता है। मैं किसी भी प्रभाव में आने वाला नहीं। मैं सब पर अपना श्रेष्ठ प्रभाव डालने वाला शक्तिशाली आत्मा हूं।
मैं डबल लाइट बन, ऊंची स्थिति में उड़ने वाला फरिश्ता हूं। ओम शांति।